हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वा रहा हूं सिकंदराबाद से लेकर और बुलंदशहर के बीच में के NH 34 पे कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है। वो आप सभी अपनी आंखों से देखेंगे तो देख सकते हो। अभी यहाँ का ये ब्लैक टॉप दोनों साइड का ये उखाड़ा जाएगा और नया ब्लैक टॉप इस पर लगाया जाएगा और साइड में ये देख रहे हो आप सभी, इस पर अभी लेन को चौड़ा किया जाएगा। तो अभी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो। दोस्तों, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है और आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो देख सकते हो यहाँ ये लाल कुआँ गाजियाबाद से स्टार्ट होता है और ये दादरी सिकंदराबाद बुलंदशहर खुर्जा अलीगढ़ होते हुए ये एक्सप्रेसवे निकलेगा। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये मशीन लगी हुई है जो कि लेन को इसमें डबल लेन किया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हो, ये सारे में इसका एक्सपेंशन का काम किया जा रहा है, इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है। दोस्तों 4 लेन से ये 6 लेन में ये डाइवर्ट किया जा रहा है और एक्सेस कंट्रोल्ड इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दूँ कि गाजियाबाद के लाल कुआं से ये स्टार्ट होता है और अलीगढ़ तक ये 6 लेन हाईवे एक्सेस कंट्रोल्ड बनाया जा रहा है और बीच में इसमें रेलिंग भी लगाई जानी है दोस्तों, और उसके बगल में सर्विस लेन भी दी जाएगी। तो आने वाले टाइम में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि इसका किस तरीके से कायाकल्प किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को बहुत तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है दोस्तों, और ये अखिलेश सरकार के राज्य में और मायावती के राज्य में इसकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी दोस्तों, और ये अब जाके BJP सरकार में इसका कायाकल्प किया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लैक टॉप पुराना निकाल कर और नया ब्लैक टॉप लगाने का काम चल रहा है दोस्तों। आगे आप सभी को मशीनें देखने के लिए मिलेंगी वर्क करते हुए दोस्तों। तो मैं ऐसे ही वीडियोस आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूं। तो देख सकते हो ये लेन बढ़ाने का काम चल रहा है, 4 लेन तो अभी है ही है और 1 लेन ये बन जाएगी तो 3 लेन हो जाएंगे दोस्तों। तो 3 लेन इस साइड में, 3 लेन उस साइड में, ये 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला 6 लेन का हो जाएगा। और आपको बता दूँ कि 1-1 लेन की सर्विस लेन इसमें दी जाएगी, तो ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे होने जा वाला है दोस्तों। पहले इसका नाम था NH 91, अब इसको घटा के ये NH 34 कर दिया गया है, यानी कि NH 34 इसको कर दिया गया है दोस्तों। तो आप सभी बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल पर विजिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा बुलंदशहर तक। तो अभी हम खुर्जा और सिकंदराबाद, बुलंदशहर खुर्जा अलीगढ़ होते हुए 6 लेन हाईवे होने वाला है दोस्तों, इसका कायाकल्प किया जा रहा बहुत तेज़ी के साथ में। यहाँ पर ये नया ब्लैक टॉप लगा दिया जा चुका है, पुराने ब्लैक टॉप को उखाड़ के दोस्तों, नया इसमें नया भी ब्लैक टॉप लगाया जा रहा है, नई इसमें ये जो बीच का ये डिवाइडर है इसकी भी आपको बता दूँ क्या रिपेयरिंग की जा रही है। तो बहुत तेज़ी के साथ में यही सारा वर्क चल रहा है इस पर NH 34 पर दोस्तों। तो आप लोग बताओ कमेंट करके नीचे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ से देखो, ये पुराना ब्लैक टॉप उखाड़ के नया ब्लैक टॉप देखो बिछाने का काम चल रहा है। आप लोग तस्वीरें देख सकते हो, ये देख सकते हो मशीनें लगी हुई हैं, ये सारे में नया ब्लैक टॉप बिछाया जा रहा है। पुराने ब्लैक टॉप को उखाड़ जा चुका है और ये 4 लेन से अब 6 लेन में डाइवर्ट किया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर, बहुत तेज़ी से वर्क इस पर हो रहा है गाइस, क्योंकि पहले इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे गुड्ढे हुआ करते थे, लेकिन अब आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो देख सकते हो ये बुलंदशहर जाने के लिए कट है दोस्तों, ये तो अंदर जब हम लाल कुएं की साइड से आते हैं तब ये कट है, इससे बाहर निकलने के लिए आगे एक कट और देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। NH 34 को बनाया जा रहा है दोस्तों, 4 लेन से 6 लेन में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है दोस्तों। और इसमें आपको बता दूं कि 3 लेन के बाद में फिर इसमें रेलिंग भी लगाई जा रही है, और रेलिंग लग जाने के बाद में दोस्तों फिर ये लोकल ट्रैफिक के लिए भी, उसके लिए भी 1 लेन और बनाई जा रही है, यानी कि सर्विस लेन दी जा रही है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि जिस पर अभी हम चल रहे हैं इस पर ब्लैक टॉप हो चुका है, और लेफ्ट वाले में अब ब्लैक टॉप होता चला आ रहा है। पीछे आप लोगों ने देखा था मशीनें लगी हुई हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ KP संत के चैनल पर देखते रहो, KP संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा। You're chilling in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से इसका कायाकल्प किया जा रहा है, 1 लेन को और एक्सटेंड किया जा रहा है, फिर इसके बाद में सर्विस लेन दी जाएगी, तो ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे हो जाएगा दोस्तों, एक्सिस कंट्रोल्ड NH 34। तस्वीरें देख सकते हो, जहाँ पर आप नज़र उठा के देखेंगे कंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिखाई देगा होता हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों, क्योंकि हमारे, आपको बता दूं कि इस रूट पर लाल कुआं से लेकर और मैनपुरी तक इसकी ऐसी हालत थी, आपको क्या ही बताएं दोस्तों। आप लोग जो इधर के रहने वाले हैं उन्होंने देखा होगा कि इतने गड्ढे थे कि बसेस में भी लोग आधे आधे उछल जाते थे, इतनी गाड़ियां ख़राब होती थी, एक्सीडेंट होते थे, चोरी चपारी होती थी बहुत ज़्यादा इस रूट पर। लेकिन अब आपको बता दूँ ये अलीगढ़ से लेकर, आपको बता दूँ कि अलीगढ़ से लेकर और आपका मैनपुरी के बीच में ये पहले ही बना के कम्प्लीट कर लिया जा चुका है, वो फोर लेन एक्सप्रेसवे है। और आपको बता दूं कि अलीगढ़ से और गाज़ियाबाद के लाल कुआं तक ये 6 लेन का हो जाएगा दोस्तों, और इसमें 2-2 लेन की आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें लोकल ट्रैफिक के लिए इसमें 2 लेन दी जा रही हैं। तो मैंने सोचा
ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं केपी संत के चैनल पर, और केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता भी रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देता रहता है। तो आप लोग बताएंगे कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को अपडेट मैं देता रहता हूँ, और आप लोग बताना मुझे कि आप सभी को कहाँ की अपडेट देखनी है इस एक्सप्रेसवे को। अभी और भी कुछ वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अलीगढ़ तक इसको दिखाने वाला हूं दोस्तों। और इसी तरीके से काम चलता हुआ, कहां का लैंडमार्किंग का काम हो चुका है, कहां तक नहीं हुआ है, वो भी दिखाएंगे। और आपको बता दूं दोस्तों के हमारे गाज़ियाबाद के लाल कुआं से लेकर मैनपुरी तक ये इस हाईवे को कहाँ कहाँ ये कंप्लीट होने के लिए बचा हुआ है, वो सब कुछ आप लोगों को आने वाले वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख सकते हो बुलंदशहर वाला वो कट निकल चुका है, हम बढ़ चुके हैं आगे, यानी कि खुर्जा के लिए। खुर्जा पड़ेगा, फिर उसके बाद में अलीगढ़ पड़ेगा दोस्तों। और खुर्जा पड़ेगा मेरे राइट हैंड पर और अलीगढ़ पड़ेगा लेफ्ट हैंड पर गाइस। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता, और आप सभी बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो देख सकते हो इस पर नया ब्लैक टॉप बिछा दिया जा चुका है, और जो अभी नई लेन बनाई जा रही है, जो तीसरी लेन बनाई जा रही है, उस पर अभी वर्क चल रहा है। देख सकते हो ये मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है, फिर इस पर रोरी बजरी की इस पर लेयर डाली जाएगी, उसके बाद में इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा। ब्लैक टॉप कर देने के बाद में दोस्तों फिर इसमें रेलिंग लगाई जाएगी, और रेलिंग लग जाने के बाद में फिर इसमें लोकल ट्रैफिक के लिए सर्विस लेन भी दी जानी है दोस्तों। तो आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए